हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी चैनल में। मैं आपको आज इस वीडियो में जी फोन में अपने नेम को ऑनलाइन 3D एनिमेशन घूमते हुए नेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कमाल ट्रिक है। तो ये अगर आप अपने जी फोन में अपने नेम को ऑनलाइन क्रिएट करना चाहते हैं 3D एनिमेशन में, तो बहुत ही कमाल का अपना जो नेम है वो लगता है। अगर आपको ये बनाना है तो वीडियो के साथ बन रही है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने ऑनलाइन अपने नेम है वो क्रिएट किए हुए हैं, तो वो दिखने में दोस्तों कैसे लगते हैं। तो आप जहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे नेम है 3D बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा अपने नेम बनाने हैं तो वीडियो के साथ दोस्तों बन रही है। तो आपको ये सब करने के लिए जी फोन के इंटरनेट को ऑन करना होता है। जी फोन के इंटरनेट को पहले ऑन कर लेते हैं। जी फोन के इंटरनेट को ऑन कर देने के बाद आपको ब्राउजर को ओपन करना होगा। हम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर को ओपन कर देने के बाद आपको जहां पर टाइप कर देना होगा फ्लेमिंग टेक्स्ट, तो हम जहां पर टाइप कर लेते हैं। तो नीचे सर्च आ चुका है, तो आपको इसे सर्च कर देना होगा। जैसे आप इसे सर्च करेंगे जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों नया पेज ओपन होने वाला है, और जब नया पेज ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा आपको करना क्या है। तो नया पेज ओपन हो चुका है, आपको नजर आ रहा होगा एंटर द नेम। अब जहां पर आपको अपना नेम टाइप करना होगा, जो कि आप अपना नेम जहां बनाना चाहते हैं 3D नेम, तो हम जहां पर टाइप कर लेते हैं पहले। आपको इसे सर्च कर देना होगा। हम इसे सर्च कर लेते हैं। तो सर्च कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आ जाता है। तो आपको एक बटन दबाकर इसे स्मॉल कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। तो आपके सामने देख सकते हैं बहुत ही कमाल के 3D नेम्स आ जाते हैं, जो कि आप अपने जियो फोन में लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे दोस्तों ये वाला नेम अच्छा लग रहा है, ये वाला दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद ऊपर लोडिंग आएगा, आपको एक बटन दबाकर इसे स्मॉल कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एक झलक आपको दिखा देगा जो कि आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर और भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो एडिट लोगो पर आपको क्लिक कर देना होगा। हम एडिट लोगो पर क्लिक कर देते हैं। एडिट लोगो पर क्लिक कर देने के बाद ऊपर लोडिंग लेगा, तो एक बटन दबाकर इसे स्मॉल कर लीजिएगा। तो आपको इसके नीचे ले जाना होगा, तो हम इसके नीचे चल जाते हैं। अभी दोस्तों लोडिंग ले रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको वीडियो के स्टेप के बारे में नहीं पता चलेगा, फिर आप कहेंगे जी वीडियो फेक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो आपको अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं 3D में, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कूल, आपको इसे दोस्तों 3D पर कर देना होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इस पर आपको जाना होगा। तो आपको इसके नीचे ले जाना होगा, आपको 3D पर क्लिक कर देना होगा। तो हम 3D पर क्लिक कर लेते हैं। 3D पर क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, बल पेन 3D या गन प्ले 3D। आप जो भी चूज करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। चूज कर देने के बाद आप देख सकते हैं जो आपका टेक्स्ट है वो अभी कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा लोगो पर। तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं, आपको लोगो पर क्लिक कर देना होगा। लोगो पर क्लिक कर देने के बाद आपको इसका कलर बदलने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, जो आपको पट्टी नजर आ रही है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप जो भी अच्छा कलर लगता है आपको अपने कर्सर को वहां पर ले आकर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम जहां पर ले आए हैं तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो मान लीजिए मुझे ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, तो आपको उस ब्लू कलर पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। ओके पर क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर लोडिंग ले रहा है, जो हमारा फोटो का कलर है वो चेंज हो चुका है। तो आपको अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद फिर से लोडिंग लेगा, तो अब नया पेज ओपन होगा। तो आपको इसके नीचे चले जाना होगा, तो हम नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन ले रहा होगा डाउनलोड का, तो जहां पर आप क्लिक करके फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं अपने नेम को, जो कि बहुत ही कमाल का लगता है। तो आप देख सकते हैं इसको भी हम बता देना चाहते हैं, जो आपका नेम है वो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो
हमने अभी डाउनलोड किया था वो दिखने में दोस्तों ऐसा लगता है। दोस्तों ऐसा नहीं लगता है कि हमने जियो फोन से डाउनलोड किया है, ऐसा लगता है कि हमने कंप्यूटर से दोस्तों ऑनलाइन क्रिएट किया हुआ। तो दोस्तों ऐसे आप अपने जियो फोन में बहुत ही कमाल तरीके से अपने नेम को 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और नीचे कमेंट लिख दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको अपना चैनल प्रमोट कराना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा। फिलहाल के दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।